आज हम दिल्ली की दंगा के बारे में चर्चा करने का मौका हम सबको मिले हैं। सर, होली का त्योहार खत्म हुए हैं, लेकिन दिल्ली की खून की होली हमारे पीछा नहीं छोड़ते। द हॉरिबल स्पेक्टर ऑफ कम्युनियल कंफ्लेग्रेशन दैट हैड ऑकर्ड इन दिल्ली हैज बीन हॉन्टिंग आवर मेमोरी। इसलिए सारे हिंदुस्तान बेचैन है और जानना भी चाहते हैं कि कैसे इस तरह की घटना घटी और दोबारा इस घटना ना घटे इसके लिए सरकार की तैयारियां, सरकार की तेवर नारा क्या है। सर, कोई कहते हैं कि हिंदू का जीत हुई, कोई कहते हैं मुसलमान का जीत हुई, लेकिन सर दंगा में ना हिंदू का जय होते हैं ना मुसलमान का विजय होते हैं, लेकिन इंसानियत जरूर पराजय होते हैं। पराजय अगर होते हैं तो इंसानियत की पराजय होते हैं। तो ये दंगा में, दिल्ली की दंगा में अगर किसी को पराजय हुए हैं वो हमारा इंसानियत की पराजय है। सर, कोई कहते हैं कि मैं हिंदू, कोई कहते हैं कि मैं मुसलमान, कहीं हिंदू मरे तो कहीं मरे मुसलमान, लेकिन फिर भी हम दोनों तो है इंसान। तू पढ़ले मेरा गीता, मैं पढ़लू तेरा कुरान, जो है अल्लाह वही है भगवान। महात्मा गांधी जी ये कहने का कोशिश किया था। इसलिए रघुपति राघव और राजा राम, इस तरह वाला तेरे नाम सबको सरमति दे भगवान। अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। रघुपति राघव राजा राम, पति तो पावन सीताराम। अच्छा लगा, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, बंजारे में सीताराम। ईश्वर वाला तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। अगर से ये छोटा मंत्र हिंदुस्तान के लोग हम सीख ले तो हिंदुस्तान में कभी दंगा नहीं होती। हमारा बंगाल के कवि नजरुल इस्लाम कहते हैं, हिंदू ना और मुस्लिम ओई जिज्ञासे कौन जन कांडारी, देखो डूबी से मानुष संतान मोर मार। हु इज हिंदू, हु इज मुसलमान, हु इज आस्किंग फॉर हिंदू और मुसलमान, व्हाट इज हैपनिंग दैट ह्यूमैनिटी इज बीइंग ड्राउन। यही तो आपका सोच है, तो कैसे आपको मनाऊंगा, ये सोच है आपका, आपका सोच ये है, ये बड़ा दुख की बात होता है, सोच आपका ये है। सर, मैं मार्टिन लूथर किंग की एक बात यहां रखना चाहते हैं। पीपल फेल टू गेट अलोंग बिकॉज दे फियर ईच अदर, दे फियर ईच अदर बिकॉज दे डू नॉट नो ईच अदर, दे डू नॉट नो ईच अदर बिकॉज दे हैव नॉट कम्युनिकेटेड ईच अदर। वी मस्ट लर्न टू लीव, वी मस्ट लर्न टू लीव टूगेदर लाइक फ्रेंड, वी मस्ट लर्न टू लीव टूगेदर लाइक फ्रेंड, नॉट पेरिश टूगेदर लाइक फूल्स।
हम सबको एक साथ जीना है, हम सबको एक साथ चलना है। अगर इससे अलग होए तो हम सबको मरना है। तो ये सरकार की ध्यान में रखने के लिए हम कहता, जिस दिन हम लोग इस विषय को रखने का कोशिश किया था सदन में, तो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कहने लगे कि दिल्ली में सिख दंगा हुई, 3000 सिखों की हत्या हुई है। तो हम लोग तो सब जानते हैं कि 3000 सिख को हत्या हुई है दिल्ली में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दिल्ली में आज और जो हो रहे हैं उसको हमें समर्थन करना पड़ेगा। यू शुड नॉट सब्सटेंशिएट द कर्नेज ऑफ दिल्ली बाय सिंपली रिजॉर्टिंग टू द सिख दंगा एपिसोड इन दिल्ली। द ट्रूथ इज दिस गवर्नमेंट हैज प्रिजाइडेड ओवर द कर्नेज, यू कैनॉट डिनाई इट। ये मनमोहन सिंह जी सिख दंगा के लिए माफी मांगा था, और जिस दिन मनमोहन सिंह सिख दंगा के लिए माफी मांगा था, उस दिन अमेरिकन डिप्लोमेटिक टेबल में एक बात आई थी कि इट्स ए सिंगुलर एक्ट ऑफ पॉलिटिकल करेज एंड एन ऑलमोस्ट गांधीयन मोमेंट ऑफ मॉरल क्लैरिटी इन इंडिया लॉन्ग मार्च टू रिलीजियस हार्मोनी। नानावती कमीशन बनी, हाई प्रोफाइल नेताओं को हिरासत में लिया गया, अभी जेल की सलाखों के पीछे है। 2005 साल 12 अगस्त मनमोहन सिंह जी सदन के अंदर क्या स्टेटमेंट दिया था उसको भी मैं जिक्र करना चाहते हैं। आई हैव नो हेजिटेशन इन एपोलोजाइजिंग टू द सिख कम्युनिटी। आई एपोलोजाइज नॉट ओनली टू द सिख कम्युनिटी बट टू द होल इंडियन नेशन, बिकॉज व्हाट टुक प्लेस इन 1984 इज द निगेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन बिहाफ ऑफ आवर गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर पीपल ऑफ दिस कंट्री, आई बाउ माई हेड इन शेम दैट सच ए थिंग टुक प्लेस। इवन मनमोहन सिंह इज हाउस वॉज अंडर अटैक। मनमोहन सिंह जी के बाद हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी का जो फीलिंग्स था उनको शेयर किया। तो ये हमारा कहना है कि आज दिल्ली की दंगा अगर कोशिश करते तो क्या हम रुक नहीं पाते? दिल्ली हिंदुस्तान की दिल कहला जाता है, जहां हिंदुस्तान की कोने कोने से लोग आते हैं रोटी रोजी के लिए, क्योंकि दिल्ली में अगर कोई पहुंच जाते तो उनका हाथ खाली नहीं रहते, कुछ ना कुछ काम उनको मिल जाते हैं। अन्याय के लिए गुहार लगाने, न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ गुहार लगाने दिल्ली आते हैं, न्याय प्राप्त करने के लिए दिल्ली आते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ा पंचायत, हमारे पार्लियामेंट सारे हिंदुस्तान की आम लोगों की बात रखने के लिए बने हैं। यहां हमारा प्रधानमंत्री जी है, हमारा महामहिम राष्ट्रपति जी है। हिंदुस्तान की चाहे स्थल सेना, नौसेना, वायुसेना, सबका हेडक्वार्टर है। हिंदुस्तान की दिल्ली हमारा कैपिटल है। यहां कोई पुलिस की कमी नहीं है, और वो पुलिस है जिनको हम एलिट पुलिस मानते, जिस पुलिस को हम मॉडल पुलिस मानते, जिनकी हथियार की कभी कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की कमी नहीं है, सबसे ये लेस है हमारे दिल्ली के पुलिस वालों ने। और दिल्ली सिर्फ नहीं, अगर चाहे तो आप पैरामिलिट्री रिपोर्ट हजारों की तादाद में बुला सकते हैं, आजू बाजू चारों तरफ पैरामिलिट्री रिपोर्ट का आर्मी है। फिर भी ये घटना क्यों घटी, और वो भी 3 दिन लगातार ये घटना कैसे घटी, इसके जवाब कौन देगा?
सरकार को देना पड़ेगा और खासकर हमारा गृह मंत्री को देना पड़ेगा, क्योंकि यह दिल्ली की रखरखाव कानून व्यवस्था सारे की जिम्मेदारी हमारा गृह मंत्री की है। 3 दिन आप कहां थे ये जरूर हमें कह जाना पड़ेगा। 3 दिन आप कहां थे? एक इटली में रोम नगरी थे, रोम नगरी के जो राजा थे नीरो, हाँ आपने कहे हुआ कि ये लोग इटली आ गए, अच्छा लगता, लेकिन आपको याद दिला दे, आपको याद दिला दे, आपका हेडक्वार्टर साहब का जो आपका हेडक्वार्टर जी का जो शिक्षक थे ना टीचर थे उनका नाम है मुंजी साहब, और मुंजी साहब सबसे पहले आरएसएस बनाने का पहले मुसोलिनी के पास गए थे, और मुसोलिनी इटली के रहने वाला है, तो आपको खुशी होना चाहिए कि मैं इटली की जिक्र करते हैं, हिस्ट्री बताते हैं। अच्छा लगता, अच्छा लगता, सीखने का कोशिश करो, सीखने का कोशिश करो, अच्छा लगेगा। तो वो जो नीरो थे जब रोम जल रहे थे तो नीरो बांसी बजा रहे थे, व्हेन रोम वाज बर्निंग नीरो वाज प्लेइंग फ्लूट ऑन द फ्लूट फिडल सेम, व्हेन रोम वाज बर्निंग नीरो वाज प्लेइंग फिडल और फ्लूट एडिटिंग हिल ऑन द पैलेंटाइल हिल, ऑन द पैलेंटाइल हिल एंड वेटिंग टू सी द बर्निंग ऑफ द सिटी इन ऑर्डर टू बिल्ड वन गोल्डन पैलेस डोमस ओएरास। आज लगता है कि हमारा देश में नीरो आ गए, जब दिल्ली जलते थे तो मुरली लेकर हमारे नीरो चले गए गुजरात में अहमदाबाद में और प्रेसिडेंट ट्रंप की मेजबानी करने के लिए, ये तो देख रहे हैं हम। अरे कहा कि नहीं, हामिद अंसारी साहब, हामिद अंसारी साहब टीवी में बोलते हैं, आशीष सिंह एक इंटरव्यू लेते थे हामिद अंसारी साहब को, वो कह रहे थे कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है। उन्होंने ये भी जिक्र किया जब नादिर शाह दिल्ली में आए थे तो अपना तलवार 3 दिन निकल के रखे थे और कह दिया था कि 3 दिन तुम जो करना है कर लो, उसके बाद हम तलवार उठाएंगे। मैं तो ये नहीं कहता कि अमित शाह जी का साथ नादिर शाह का कोई ताल्लुकात है, जरूर नहीं कहता, क्योंकि डीएनए टेस्ट करने का हमारा कोई साधन नहीं है, और वो भी खासकर अमित शाह जी एक वैष्णव धर्म के विश्वासी है, लेकिन जरूर ये कहूंगा ये 3 दिन जो लगातार दिल्ली में दंगा हुआ था उसमें आपका क्या जिम्मेवारी थे, आपका आपका दो साथिया भी है मंत्री, उनका भी क्या जिम्मेदारी थी, वो कहां थे, आपका बड़े बलवान जहांबाज एमपी थे, एमएलए थे, वो कहां गए थे, सदन में आके बड़ा बड़ा बात जो करते हैं यहां की एमपी दिल्ली वालों की, वो क्या भोजपुरी गाना गाने चले गए थे, वो कहां थे, आपके यहां जो एमपी दिल्ली के एमएलए दिल्ली के कहां गए थे, क्यों वो गुम हो गए थे, चुनाव जब आते हैं गली गली जाते हो चुनाव में भीख मांगने के लिए, और जब खतरा पैदा होते हैं तब किसी को पास नहीं जाते, बाजा सब जानते हैं पिछले चुनाव में जो जो इलाके में दंगा हुई है उस इलाके में बीजेपी की उतना अच्छा वोट नहीं मिला, बीजेपी की वोट नहीं मिला, बस इसके चलते कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप समझिए। मैं जानना चाहते हूं गृह मंत्री से, 3 दिन जब दिल्ली में इस तरह की घटना घट रही थी, दंगा हो रही थी, तब आपकी सरकार और आप खुद क्या कर रहे थे? इंसिडेंटली ऑन वेडनेसडे शाह हैड ए सीरीज ऑफ मीटिंग ऑन वेरियस इश्यूज व्हिच इंक्लूडेड ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर विथ कैबिनेट कॉलीग नरेंद्र तोमर एंड रामविलास पासवान, रामविलास पासवान जी है आपके साथ मीटिंग किया था, ही हैड अनदर मीटिंग विथ रेलवे एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल
These meetings were preceded by another one with Home Secretary Ajay Bhalla and a senior IG official. However, officials said this meeting was not on Delhi violence. The situation in Delhi was also not discussed in the Union Cabinet meeting held Wednesday morning. अगर मैं कुछ गलत कर रहा है, आप कुछ बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये लापरवाही। आपका लापरवाही दिल्ली के इस जंग के सबसे बड़ा वजह होते हैं आपका लापरवाही। आप कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को सारे दुनिया में शिखर में पहुंचाऊंगा, बाद बात में पाकिस्तान को उड़ा देते हैं, टेररिस्ट के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हम भी समर्थन करते हैं आपको, टेररिस्ट को खत्म करो, पाकिस्तान की किस तरीके की हरकत को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो कि जब हम हिंदुस्तान से जाकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक करते हैं, उसकी हिम्मत हमारा है, तो हम दिल्ली की दंगा को क्या रोक नहीं सकते थे, बताओ आप। और वो भी खास दिल्ली में, वो भी खास दिल्ली में, हमारे नेशनल कैपिटल में, और वहां हर दिन भड़काऊ भाषण चलते हैं, हेट स्पीचेस। हमारे हिंदुस्तान में एक बात बन गई है कि हेट स्पीचेस, किसने हेट स्पीचेस देते हैं, किसने दिया है हेट स्पीचेस? फटकरा लगाते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट, फटकरा लगाते हैं आपको आपको हाईकोर्ट, फटकरा लगाते हैं क्यों? आपका अगर गलती नहीं है तो यह किसके गलती है? आज दिल्ली में, दिल्ली की जब न्यायाधीश जब आपको पार्टी के खिलाफ फटकरा लगाते हुए पुलिस को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लो, तो रातों रात तबादला हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये मिडनाइट सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं जुडिशियरी पे, मिडनाइट सर्जिकल स्ट्राइक ऑन जुडिशियरी, रातों रात तबादला क्यों? उनका गलती क्या था? उनका गलत यह था कि आपको जाने माने नेता के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण देने में माहिर है, जो भड़काऊ भाषण देने में माहिर है, आज तो सारे हिंदुस्तान में एक नारा लग गया, गोली मारो सालों को। क्या ये हमारा सीना चौड़ी करते हैं? बताओ, ये क्या हमारे लिए गर्व महसूस करने का मुद्दा है? बताओ, अगर नहीं है, आप इनके खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं जिक्र करते, एक शब्द क्यों नहीं उल्लेख करते हैं? आपने आपने और क्या किया? देखते हैं, ये आज अचानक जस्टिस मुरलीधरन पे ये हमला नहीं हुई। यू हैव ट्राइड योर बेस्ट टू स्टॉप के एम जोसेफ एलिवेशन टू द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज ही हैड क्वाश द प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज इन उत्तराखंड। दे स्टॉल द अपॉइंटमेंट ऑफ गोपाल सुब्रमण्यम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिंस ही हैड आर्गुड केसेस अगेंस्ट द पीएम एंड होम मिनिस्टर इन गुजरात रायट्स। जस्टिस गीता मित्तल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हु गेव जजमेंट अगेंस्ट सेल कंपनीज दैट आर्ट द गवर्नमेंट वॉज ट्रांसफर्ड। तो ये क्या किया सर? सर, आई वुड लाइक टू रिटायर दैट द मिड नाइट नोटिफिकेशन, दैट द मिड नाइट नोटिफिकेशन 355 जस्टिस 52-5 हू सेट अप ऑन डिसिप्लिन 52 सर सर सर, दे हैव नाउ रिटायर्डेड देयर मैसेज अगेन बाय इशूइंग ए मिड नाइट नोटिफिकेशन ट्रांसफरिंग जस्टिस मुरलीधर हु सेट अप ऑन डिसिप्लिनिंग द दिल्ली पुलिस इन टू टेकिंग द रिक्वायर्ड लीगल एक्शन बाय स्टर्नली ऑर्डरिंग एफआईआर अगेंस्ट कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, अभय वर्मा एंड अदर्स। द गवर्नमेंट एक्शन इन गिविंग ए रिप्रीव टू द ट्रबल मेकर्स एंड द पुलिस ओनली स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट देयर कॉम्प्लिसिटी। सर सर, सुप्रीम कोर्ट क्या कहा? Lack of professionalism of Delhi police, the bench of justices S.K. Kaul and K.M. Joseph observed, had the police acted the way law required them to act and stop people from inflammatory remarks, the spiral of violence could have been averted and life saved. लोगों को बचाना जाता। मैंने नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं सर। सर, there is a growing disconnect between the lower ranks with their seniors. पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज आर लेम डक इंस्टीट्यूशन। सर, मैं आपको बता रहा हूं क्या हुआ। आप देखो सर, क्यों बात ये सब बात करते हैं? सर मैं इसलिए पीड़ित हूं सर, अगर आंकड़ा देखा जाए सर, तो क्या देखते हैं कि 53 लोगों को मौत हो चुके हैं,
पता नहीं कि अगले क्या होगा। सदन में हमारे गृहमंत्री बताए और ये अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ की नुकसान हुआ है जान माल की, 25,000 करोड़। 102 आदमी को बुलेट का जख्मी है। सर सबसे बड़ा चौंकाने वाला बात यह है कि पुलिस कंट्रोल रूम रिसीव नियरली 21,000 डिस्ट्रेस कॉल बिटवीन फेब्रुवरी 22 एंड फेब्रुवरी 29। ऑन फेब्रुवरी 24 एंड 25 अलोन व्हेन द कॉमोनियल वायलेंस वॉज एट पीक इन सिवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली द पुलिस कंट्रोल रूम रिसीव अबाउट 13,000 रायोट रिलेटेड कॉल्स। द फॉलोइंग डे अराउंड 6,000 कॉल्स वर मेड बट no response has been given. Even emergency services were not provided to those affected people. So ye aapka griha mantralay ki halat hai. To ye halat to hame batana padega. Sir ye police wale ne koi nak se kabiliyat mein koi kami nahi aayi, police walon ke dilli ka kabiliyat mein koi kami nahi aayi, lekin ये सरकार की इशारों पे चलने लगे हैं। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज पैदा होती है। सर जामिया मिलिया में, जेएनयू में आप देखिए, बिन बताए पुलिस घुस जाते हैं। नाकापोती संगीत के गुंडे घुस जाते हैं, लेकिन जब जब असली समय होते हैं तब ये चुप पिसाते रहते हैं। और अरे सबसे बड़ा तुम खतरनाक आदमी हो सर। सर 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 एक बात सर देखिए, अगर सर अगर बात सुनिए, आप सब सुनिए, अगर ये हालत को निपटने का रास्ता था ही किसने दिखाया? अजीत डोभाल साहब ने दिखा दिया कि तीन दिन और चार दिन, और जब अजीत डोभाल साहब ने हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो रास्ते में जब उतरे सारे ठंडक पड़ गया। कैसे अजीत डोभाल को क्यों उतरने पड़ा जब होम मिनिस्ट्री है, उनका दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को क्यों उतरने पड़ा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए कभी नहीं उतरते, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये होम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करते, सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपके ऑफिस में भरोसा नहीं किया था? तो ये क्या है? हिंदुस्तान में अभी दो किस्म के पावर ऑफ सेंटर बनते जा रहे हैं, पीएमओ और एचएमओ। नहीं तो ऐसा किस लिए हुआ? अजीत डोभाल को क्यों उतारने पड़ा? जवाब आपको देना पड़ेगा सर। ट्रक फुल्स ऑफ स्टोन, पीसेस ऑफ ब्रिक, कंस्ट्रक्शन डेब्री वेयर सीन एंटरिंग ईस्ट दिल्ली ड्यूरिंग दोज डेज। हाउ दिस कुड वेंट अननोटिस बाय गवर्नमेंट? सीवर रेसिडेंट्स क्लेम दैट अनरूली एलिमेंट कंटिन्यू टू एंटर एरियाज अराउंड सीमापुरी, भजनपुरा, मौजपुर, जाफराबाद यूजिंग सिमिलर रूट। सर यह दोनों सरकार, एक तो दिल्ली की सरकार हमारा केंद्र की सरकार है, और दूसरा दिल्ली की सरकार केजरीवाल जी की सरकार है, दोनों सरकार चुप्पी साधी रहे। दिल्ली की सरकार की मोहल्ला नेटवर्क उसको इस्तेमाल नहीं किया गया, चुप्पी साधी रहे सर। इसलिए ये दंगा पीड़ित लोगों को देखभाल करने के लिए किसी को, उन लोगों को देखने का मौका नहीं मिला। मैं सर दो बात करके छोड़ दूंगा सर। एक बात मैं हमारा राजनाथ सिंह जी उपनेता है उनको बताना चाहते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू जी थे तब दिल्ली में दंगा हुआ था। पुराने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू साहब खुद दंगा के सामने हाथे लाठी लेकर उतर पड़े थे, दंगा को रुका था। किंग्स वे कैंप में जहां पीड़ित लोग थे, जवाहरलाल नेहरू जी गए, एक बुढ़िया ने जवाहरलाल नेहरू जी को कलर पकड़ी और कहने लगे कि जवाहरलाल आप तुम यहां आए हो? तो जवाहरलाल ने जवाब में कहा कि आप इल्जाम लगाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाए, हो सकता है आपके इल्जाम सही हो सकता है, क्योंकि बुढ़िया कहने लगे आप तुम आए हो, तुम कुछ काम करने के लायक नहीं हो। तो जवाहरलाल नेहरू उनको कहा कि माताजी, मैं कुछ करे या ना करे, कम से कम हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री को कलार पकड़ने की अधिकार तो आप सबको दिए हैं,
तो हिंदुस्तान के एक बुढ़िया जवाहरलाल नेहरू के कलर पकड़ने की अधिकार मिला था, वो जवाहरलाल नेहरू का जमाना था। आज अंकित शर्मा मरे हैं, इतने सारे 53 आदमी मर चुके हैं, ना हमारा प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री कभी किसी को घर में गए हैं, कभी किसी को घर में जाके आपने उनको उनको आपने भरोसा दिलाया है? क्यों क्यों, ये का जिम्मेवारी नहीं था आपको? अब बताइए, ये का जिम्मेवारी नहीं था? आप कहते हैं कि होली का त्योहार है, हम किसी से नहीं मिलेंगे। अरे कोरोना तो है हिंदुस्तान में, कोरोना से आम आदमी से ज्यादा डर आपका है, आपका ज्यादा डर है। कम से कम मास्क लेकर आप निकाल सकते थे, आप कम से कम दांगा पीड़ित इलाकों में मास्क लेकर घुमा करते थे। आपको देखते सबको पता चलता कि अमित शाह जी आए हैं, जहां अजीत डोभाल जा सकते वहां क्यों आप नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? तो इसलिए हमारी आपसे आपके विरोध में हमारा एलिगेशन है, पीएम प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हमारा आरोप है, क्योंकि देश की प्रधान होते हैं आप, गृह मंत्रालय आपको देखभाल करने की जिम्मेवारी होते थे, कानून व्यवस्था के आप दोनों ये रायट जब होते थे, दंगा जब होते थे, आपने खुलेआम ये दंगा को होने दिया, आपने कुछ नहीं कहा। इसलिए 3 दिन के बाद आपका नींद टूटे, प्रधानमंत्री जी कुछ कहने लगे, आपने बहुत दिन के बाद आपने भी 2-4 ट्वीट किए हैं, लेकिन कहीं जगह आपने नहीं कहा। आपको क्या ये नहीं लगते ये आपके लिए सही कदम नहीं था? ये क्या आपको नहीं लगते आप जो करना चाहिए था वो आप नहीं कर पाए और आप नहीं करे? तो इसलिए हमारी तरफ से ये सरकार से हम कई मांग करते हैं, वो मांग एक नंबर ये है तो है कि इन द लाइट ऑफ द स्केल ऑफ वायलेंस एंड कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, ये पढ़ने के छोड़ देते, 7-8 पॉइंट है इतना छोटा छोटा, इन द लाइट ऑफ द स्केल ऑफ वायलेंस एंड कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वी स्ट्रांगली डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह जी। द फेलियर ऑफ द इंटेलिजेंस एक्ट एंड ऑमिशन ऑफ द दिल्ली पुलिस एंड द ओवरऑल फेलियर ऑफ द होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल इन फेलिंग टू प्रिवेंट द वायलेंस एंड ब्रिंग बैक नॉर्मलिटी आर सफिशियंट ग्राउंड फॉर द डिसमिसल ऑफ होम मिनिस्टर। क्यों आपको रहने नहीं चाहिए वो भी बता दिया सर। FIR should be filed immediately by the Delhi police against all perpetrators as well as inciters, including MOS for finance Anurag Thakur, BJP MP Prabhas Verma, BJP leader Kapil Mishra and BJP MLA Abhay Verma. Since the police have expressed their apprehension about the 2 SIT's limited mandate as well as BJP complicity in the committee, we ask that a judicial inquiry be conducted with a sitting judge of the High Court, Supreme Court to ensure impartial inquiry. Sir, अभी भी मैंने गया था अंकित शर्मा जी का घर, मैंने और तरह गए थे, सोलंकी जी के घर गए जिनके भाई की मौत हो गई थी। सर वहां लोग कहते हैं कि SIT तो गठन हुए हैं लेकिन जिसके मर्जी उसको उठा के ले जाते हैं रास्ते, ये देखना चाहिए। लोगों के अंदर डर खौफ पैदा हुए हैं सर, लोगों के अंदर भयभीत की माहौल अभी बरकरार है। सर बात यह है कि वायलेंस तो अभी घट गए हैं लेकिन डर अभी बरकरार है, ये आपको थोड़ा देखना चाहिए। सर बोथ द स्टेट एंड सर हो गया बोथ द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट आइडेंटिफाई द रेस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेट्स एंड पुलिस ऑफिसर एंड एंश्योर दे फेस ड्यू प्रोसीज्योर फॉर डेरिलिक्शन ऑफ देयर ड्यूटीज एंड चार्ज देम फॉर आटर इनकॉम्पिटेंस एंड इनएफिशियंसी इन हैंडलिंग द सिचुएशन। State government should provide immediate relief, establish sufficient relief centers, and provide rehabilitation as well as legal, medical, and other kinds of support to the victims and affected people. Third, the state government should ensure adequate support to all the relief centers and subsequently ensure rehabilitation of all the people affected and displaced and their safety. Sir, the state government immediately conduct a comprehensive damage assessment in the affected areas and provide compensation commensurate with the loss of life and property. We also recommend an independent monitoring system be established to monitor government operation in affected areas and to ensure the rights of the affected families to adequate protection, compensation, relief and rehabilitation. Sir, state government should restore certificate of students which have been destroyed during the riot, take sufficient measures to support students for their examination and ensure they do not lose the entire academic year.
Sir, Aman Committee should be formed by the state government in Mohalla where it is required, consisting of members of all communities. Sir, Delhi government should ensure interest-free loans are extended to all the owners of commercial establishment and those in the informal sector over and above the compensation for their losses. In order to quicken the healing process of the affected families, especially women and children, the state government support and facilitate NGOs involved in grief and trauma. That the efforts of citizens, collectives and individuals in providing relief and support to the victims and affected people should be lauded. We appeal to the people of Delhi and the country to extend their support to their efforts. Sir, इसलिए हम कहते हैं ये सरकार की सरासर नाकामियां है, निकम्मी सरकार, और ये निकम्मी सरकार में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से हमारा उम्मीद था, वो भी हमें पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा ये चर्चा में प्रधानमंत्री भाग ले, हमारे ये चर्चा में